तो मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस हो, दोनों ही मिशन 2023 में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में 7 अप्रैल से बीजेपी ने सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू किया जो 20 अप्रैल तक चलेगा। इस पखवाड़े की शुरुआत को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद और विधायक के साथ वर्चुअल बैठक हुई और अब बीजेपी हितग्राहियों के घर घर पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नल पूजन कार्यक्रम किया गया, साथ ही मंडल स्तर पर पीएम आवास योजना का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी हुआ। आज फिर पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर जाएंगे और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी का कटोरा भेंट करेंगे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस की अहम बैठक लेने जा रहे हैं। 2023 की रणनीतियों को लेकर 12 और 13 अप्रैल को ये विशेष बैठक रखी जाएगी जिसमें सदस्यता अभियान की रिपोर्ट और महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। पखवाड़े के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत होगा या हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना से लेकर के और भी कई प्रकार के अभियानों में पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के हम जमीन पर बूथ बूथ पर हर घर तक हर हितग्राही तक पहुँचने का काम और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है वो कर रहा है। जो राज्य में सत्ता 15 साल से है उनको घबराहट किस बात की है? मध्य प्रदेश के विधायकों ने यदि शासन की नीति अच्छी होती और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम किया होता तो भारतीय जनता पार्टी को ये भय नहीं रहता कि हमारे विधायक जीत के आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है अपने क्षेत्र में कभी उपस्थित नहीं रहे। कोई केंद्रीय योजना हो चाहे राज्य की योजना हो उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने क्षेत्र में उन्होंने नहीं करवा पाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता स्वाभाविक है और